इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर हम चालू कर चुके थे और सेकंड चैप्टर में हमने कुछ खास बातें कर ली थी। सबसे पहली बात हमने करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन कर दिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड भी कर दी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग भी कर दी थी। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इनसाइट आइडिया देना चाहूंगा कि इनसाइट आइडिया मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है। तो देखिए मैं बताता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको अगर आपने ये वाला कंसेप्ट पकड़ लिया ना, तो काफी सारे सवालों में आपकी नेगेटिव मार्किंग बच जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डिक्रीज। देखिए जब आपको मेहनत करनी पड़े, जब हमको बाहर से काम करना पड़े, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जब हमको बाहर से कार्य न करना पड़े, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो आप इसका कंसेप्ट पकड़िए, कंसेप्ट ये है कि इफ इफ सम वर्क If some work is required to be done by us or external agency, थोड़ा ध्यान से सुनिए, it means you increases potential energy increase हो जाएगी, बस यही इसका मतलब है। potential energy की definition के लिए मैंने आपको पहले ही एक बहुत important बात बता दी थी कि V बराबर होता है U upon Q, और इसलिए U equal to होता है Q into V, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, करेक्ट, कि पोटेंशियल जो होता है वो यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर लेनी है तो क्यू इंटू वी कर दीजिए आप। अब मैं आपको यहां पर जो है ना, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न आज है कि इफ सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय अस और एक्सटर्नल एजेंसी, इधर अस और एक्सटर्नल एजेंसी, एक्चुअल में हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी ही होते हैं, सिस्टम जब काम करता है तो फिर एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, सिस्टम अपने आप कर जाता है, फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी गिर जाती है। तो देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे दो चार पांच एग्जांपल लूंगा मैं। जैसे मान लो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अब आप यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं, इस समय पोटेंशियल एनर्जी जो कुछ भी है कुछ तो है ही। अब अगर हम इसको पास लाना चाहते हैं, तो देखो प्लस के पास में प्लस को लाना, इसका मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन है, लेकिन आप पास में लाना चाह रहे हैं, जब आप पास में लाना चाह रहे हैं तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर आप दूर ले जाएंगे तो आपको मेहनत नहीं करनी है, अपने आप ही दूर चला जाएगा। जब अपने आप काम हो जाए, आपको कुछ ना करना पड़े, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी गिर रही है, घट रही है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर प्लस कैपिटल क्यू होता और आप माइनस क्यू को यहां रखते, अब आप इसको पास लाना चाह रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्ज को आप पॉजिटिव के पास में लाना चाह रहे हैं, तो निश्चित ही आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आने के लिए तैयार है, और जब अपने आप ही आ जाएगा तो यू आपका गिरेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि आपको काम नहीं करना है, सिस्टम अपने आप कर लेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप काम कर लेगा। लेकिन अगर आपको दूर ले जाना है इसको, तो फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने यहां माइनस कैपिटल क्यू चार्ज रखा होता और यहां प्लस क्यू रखा होता,
अब अगर इस प्लस क्यू को माइनस के पास लाना चाहें तो प्लस क्यू तो माइनस के पास अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और जब आपको कुछ नहीं करना है तो फिर मस्त हो जाओ, यू गिर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। बट इफ यू वांट टू टेक पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज देन सर्टेनली यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क, इसलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब जब आपको मेहनत करनी पड़े, जब एक्सटर्नल एजेंसी को मेहनत करनी पड़े, बाहर से कुछ कार्य करना पड़े, तब तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। जब भी आपको कभी डेल्टा यू चेंज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज, ये आपको ये वाली बात तो खैर पूरी फिजिक्स में ही आपको करनी है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये तो एंटायर फिजिक्स में ही लगानी है, फिजिक्स का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें ये कंसेप्ट ना लगे। चेंज 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 के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोटेंशियल चेंज, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर हैं। चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, बस ये आप याद रखिए। और ये वाला जो फाइनल माइनस इनिशियल वाला जो कंसेप्ट है कि व्हेनेवर यू वांट टू गेट चेंज, आपको चेंज पता करना है तो हर हालत में फाइनल माइनस इनिशियल पता करिए, कभी भी आप इनिशियल माइनस फाइनल मत पता करिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब अगर मान लीजिए यहां माइनस क्यू चार्ज आपके पास होता और आप माइनस क्यू को लेना चाहें और इसके पास में लाना चाहते हैं, तो सोचिए माइनस को माइनस के पास लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिपल्सन होगा, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा। और अगर आप दूर ले जाना चाहते हैं तो माइनस माइनस बोथ आर रिपेलिंग ईच अदर, सो दे आर रेडीली गोइंग अवे, तो आपको मेहनत नहीं करनी है, अपने आप ही काम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप केवल देख करके फैसला कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है या बढ़ रही है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल आपको देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग। प्लस प्लस अगर पास में आ रहे हैं तो भैया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, प्लस प्लस अगर दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, प्लस माइनस अगर पास में आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, और प्लस माइनस अगर दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, बस। और जो वी है वो तो हर हालत में आपका वी इक्वल टू तो यू अपॉन क्यू है, इसलिए ये तो कोई डाउटफुल बात ही नहीं है, आप वी का फैसला अपने आप कर सकते। ये दो तीन चीजें आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी आपको, ठीक है। आज मैं जो इसके बाद में जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। तो चलिए जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। देखिए जी, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क, जब हम चार्ज्ड डिस्क की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होने वाला है, देखिए ड्यू टू चार्ज डिस्क। तो अगर मान लो इस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है डिस्क पर और डिस्क का रेडियस सपोज कैपिटल आर है, तो मैं कहूंगा सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज क्यू अपॉन एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ये आपका सिग्मा हो गया। मुझे इस डिस्क के कारण एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना, तो I want to find out potential at distance x because of this disk। देखो बेटा, इस काम को बड़ा आसानी से करूंगा मैं पता है क्या करूंगा, मैं इस डिस्क के बहुत छोटे 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 रिंग्स बना दूंगा। तो मैं डिस्क का एक छोटा सा रिंग ले रहा हूं, यहां पे स्मॉल r रेडियस है, थिकनेस dr है, थिकनेस dr है। तो I have taken a very small ring of radius small r
एंड थिकनेस डी आर। तो देखिए डी क्यू क्या आएगा, डी क्यू आएगा सिग्मा इंटू डी ए एरिया। तो मैं छोटा सा एरिया लिख रहा हूं, रिंग का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होती है 2 पाई स्मॉल आर, ब्रेथ होती है डी आर, ये आपका डी क्यू हो गया है। अब जब ये डी क्यू हो गया है तो मुझे इस रिंग का पोटेंशियल चाहिए यहां पर बिकॉज ऑफ दिस रिंग। तो मैं कह दूंगा कि दिस डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो स्मॉल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्मॉल रिंग, स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल रिंग, ठीक है ना। तो स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल रिंग। अब आप देखो कि जब ऐसा है तो मैं इस dv को क्या लिखने वाला हूं, आप चेक करेंगे। मैं dv को लिखने वाला हूं k dq अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि वो डिस्टेंस आ रही है हर चार्ज से। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन का क्वेश्चन ही नहीं उठता, कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था तो हम डायरेक्शन देखते थे, उसका एक एक टुकड़ा देखते थे, उसके कंपोनेंट देखते थे। यहां ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की बात ही नहीं करते। चलिए अब आपके पास में ये आ गया तो मैं कह दूंगा के डी क्यू को क्या बोलूंगा, डी क्यू को बोलूंगा सिग्मा इंटू टू पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया है करेक्ट। अब आप देखो कि अब हम इसका वी निकालेंगे पूरा, तो वी को मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन डी वी, लिमिट लगाऊंगा मैं जीरो से लेके कैपिटल आर तक। हाँ जी, तो मैं लिख रहा हूं के सिग्मा टू पाई कॉमन, के सिग्मा टू पाई कॉमन, और इंटीग्रेशन में मैं कर रहा हूं आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है जीरो से लेके कैपिटल आर तक। अब हमारे सामने बस इस इंटीग्रेशन की बात रही है कि इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए इस इंटीग्रेशन को करने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर मैं इंटीग्रेशन को करूंगा। तो टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन है आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि वो डिस्टेंस फिक्स है, है ना। आर आपका वेरिएबल है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कुछ भी लिख देता हूं, मान लो टी लिख देते हैं, है ना। तो मैं यहां पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं, इतनी सी दूरी में हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू, आप ऐसा करिए टी लिख दीजिए, बस टी लिख दीजिए। अब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करिए, है ना। तो हम इसको कह रहे हैं ये सपोज कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा टू आर डी आर प्लस जीरो इट इज इक्वल टू डी टी, तो आर डी आर आएगा डी टी अपॉन टू, डी टी अपॉन टू, आर डी आर क्या आएगा डी टी अपॉन टू आएगा। जब ये डी टी अपॉन टू आएगा आर डी आर, तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे यहां पर डी टी अपॉन टू, टू पाई के सिग्मा, है ना। चलो यहीं पर कर लो, उसको हम लास्ट में लिख देंगे, फिर डायरेक्ट रिजल्ट निकलेगा ना। हम यहां पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन, आर डी आर को डी टी अपॉन टू लिखें, और ये जो है इसको टी की पावर हाफ लिख देते हैं बस। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वन अपॉन टू तो आएगा ही आएगा, टी की पावर माइनस हाफ है ये, क्योंकि टी डाउन डिनोमिनेटर में है, तो टी की पावर माइनस हाफ है। टी की पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हाफ प्लस वन, तो यानी कि वन बाई टू, और फिर ये वन बाई टू हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये अंडर रूट टी आ जाएगा, अंडर रूट टी का मतलब होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये इंटीग्रेशन आ चुका है हमारे पास। तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर लिख देता हूँ अंडर रूट आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक मिनट सॉरी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे हम? लिमिट लगाएंगे जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। तो जरा कैलकुलेट करिए आप, तो वी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में टू पाई के सिग्मा, है ना। एक बार स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखिए, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस, एक बार आप आर की जगह जीरो लिखेंगे तो एक्स आएगा। तो इस तरीके से आपका ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अगर आप इस के की वैल्यू रखना चाहते हैं तो के की वैल्यू लिख दीजिए 1/4πε0, तो ये सिग्मा अपॉन 2ε0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये पूरा डेरिवेशन, एक्चुअल में ये डेरिवेशन आपके बोर्ड पर्पज में नहीं है, स्कूल पर्पज में नहीं है, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, है ना। लेकिन फिर मैं क्यों करवाता हूँ, सवाल ये उठता है कि सर जब बोर्ड में नहीं आएगा, स्कूल नहीं पूछेंगे, कॉम्पिटिशन में डेरिवेशन पूछते नहीं है, है? तो फिर आप करवाते क्यों? एक्चुअल में करवाते इसलिए हैं कि कॉम्पिटिशन में डेरिवेशन तो नहीं पूछते, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है, उसका इन्वॉल्वमेंट जो है, वो कई बार क्वेश्चन बना करके पूछ लेते हैं, तो वहां फिर आपको इंटीग्रेशन वगैरह करना आना चाहिए, नहीं तो आप उस सवाल को नहीं कर पाएंगे, या तो आप सवाल छोड़ कर आएंगे, या फिर नेगेटिव मार्किंग में आपका मार्क्स जाएगा। तो इसलिए मैं करवाया करता हूँ, और आप लोगों को ये सब ध्यान से करना चाहिए। ये करवाने के पीछे कारण केवल उतना सा ही होता है कि कोई कॉम्पिटिशन का सवाल न छूटे। एडवांस में वो सवाल डालेंगे, वहां पर जरूरत पड़ जाती है बीच बीच में इंटीग्रेशन की। चलिए जी, तो अब नेक्स्ट अपना को इसके अंदर आगे बढ़ना है, और आगे का इसका जो है ना टॉपिक, यहां ध्यान दीजिए आप, एक आपका जो ये फॉर्मूला चार्ट है ना, इसके अंदर छोटा सा करेक्शन करना है आपको। ये अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे एक वर्ड जुड़ेगा डिफरेंस, है ना। हाँ देखिए, मैं टॉपिक डाल रहा हूँ, इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा फॉर्मूला चार्ट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट फॉर अ डिस्टेंस एक्स, फॉर अ डिस्टेंस एक्स। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए, इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए आप वैसे तो पोटेंशियल निकालना बड़ा मुश्किल काम है, जैसे आपकी ये इनफाइनाइट शीट थी, हमने इनफाइनाइट शीट के अंदर कोई चार्ज रखा था और चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आया था सिग्मा अपॉन 2ε0, सिग्मा अपॉन 2ε0 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर किसी भी डिस्टेंस पर अगर हम निकालना चाहते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना बहुत मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से आएगा तो वर्क भी इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो इफ वी मूव फॉर अ डिस्टेंस एक्स, इफ वी मूव फॉर अ डिस्टेंस एक्स बिफोर दी सीट, बिफोर दी सीट, देन चेंज इन पोटेंशियल, एक मिनट जरा, देन चेंज इन पोटेंशियल। तो देखिए, चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल आएगा डेल्टा वी, और वो होगा ई इंटू एक्स। इसको हम सिग्मा अपॉन 2ε0 इंटू एक्स लिख देंगे। ये चेंज आएगा बेटा, कि आपने कहीं पर भी एक्स डिस्टेंस अगर आगे पीछे खिसके हो तो चेंज इतना आएगा। वैसे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक बहुत ही जनरलाइज एक चीज बता देना चाहता हूँ, एक बहुत जनरल फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ, जो कि बार बार आप कई सवालों में काम में ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम में ले सकते हैं। आपको हमने ई पढ़ाया माइनस डी वी अपॉन
डी आर, ये ई हमने आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में, माइनस डी वी अपॉन डी आर पढ़ाया हमने। अब इस डी वी अपॉन डी आर को मैं थोड़ा सा रफ बनाना चाहता हूँ, है ना। ये तो एग्जैक्ट है, ये तो क्या है, एग्जैक्ट है। इसको हमने ऐसा भी लिखा था, आपको ध्यान हो तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। इसको हमने ऐसा भी लिखा था, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप इंटू वी, ऐसा लिखा था हमने। लेकिन अब मैं इसको एक रफ फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ और आपको एक ऐसी चीज दे देना चाहता हूँ जिसको आप रफ यूज में लें, जिसमें डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं होगी। रफ यूज, रफ यूज क्या होगा, E इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। पता है इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। इसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। देखिए थोड़ा सा इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, इसको पता है मैं क्या बोलूंगा, ई को, ई को मैं बोलूंगा वी अपॉन डी, वी को मैं, ई को मैं क्या बोलूंगा, वी अपॉन आर। इसको मैं क्या बोलूंगा, वी टू माइनस वी वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे बोलूंगा मैं इसको। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वी टू माइनस वी वन अपॉन आर टू माइनस आर वन। यानी इसको थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा जनरलाइज कर रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। इसको अगर आप चेक करेंगे तो आपको ये चीज वैसे भी दिखाई देगी। देखो कैसे, मैंने आपको अगर स्फीयर की बात करता हूं मैं, तो आपको हमने स्फीयर के लिए बताया था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से आज मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा स्फीयर के लिए V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो ये V बराबर के क्यू अपॉन आर, अगर मैं दोनों का भाग लगा दूं आपस में तो देखो क्या होगा, E अपॉन V इक्वल टू वन अपॉन आर आएगा। ये दोनों फॉर्मूले अभी मैं अभी डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को, फिलहाल मैं केवल आपको बता देना चाह रहा हूं। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, E इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन आर। और इस तरीके से आपका ये एक जनरलाइज फॉर्मूला जो मैं कह रहा था कि बार बार आप यूज में लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को आप धमाके से कर दिया करो। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपसे कहा कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल गिरेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। आप समझने की कोशिश करो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो मैं आपको पोटेंशियल गिरना और बढ़ना समझाता हूं। अगर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया, नेचुरल है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर आप इसके अपोजिट चलेंगे, अपोजिट चलेंगे तो बताइए क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है और आप चल रहे हो इधर, पॉजिटिव चार्ज को आप ले जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पास में नहीं आने देना चाहता, दूर भेजना चाहता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन होती है, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज को दूर ले जाएंगे तो आपका पोटेंशियल घटेगा। बिल्कुल कंसेप्ट वही है कि पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है हमें वर्क करना पड़ रहा है, पोटेंशियल घटने का मतलब है हमें वर्क नहीं करना पड़ रहा, अपने आप चला जा रहा है। अगर मान लीजिए आपने माइनस वन कूलोम लिया तो फिर क्या होगा, माइनस वन कूलोम अपने आप इधर जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी, तो फिर आपका जो पोटेंशियल है उसका क्या होगा बताओ। अब आपका पोटेंशियल नहीं घटेगा ये माइनस के कारण, बिकॉज पोटेंशियल हैज नॉट बीन decided or not been defined for the negative charge. Negative charge का work आपका कम होगा या आपका work नहीं होगा, लेकिन potential जो है ना वो नहीं घटेगा, potential तो बढ़ेगा, potential तो
बढ़ेगा ही, क्योंकि पोटेंशियल का डिफाइन जो है ना, डेफिनेशन केवल पॉजिटिव से किया जा रहा है पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब है सर, पोटेंशियल बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी। एक्चुअल में देखिए क्या है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया वी इक्वल टू यू अपॉन क्यू, तो बेटा यू इक्वल टू क्या हुआ, क्यू वी, यू इक्वल टू क्यू। आपने नेगेटिव चार्ज लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी, लेकिन पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो वी इक्वल टू यू अपॉन क्यू है। आप देखो अगर आपका यू गिरा और क्यू भी नेगेटिव है, तो यू नेगेटिव क्यू नेगेटिव, तो वी तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना, वी इक्वल टू यू अपॉन क्यू है। अगर यू नेगेटिव आ जाए, अगर यू नेगेटिव और क्यू भी नेगेटिव, तो भैया वी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, इसलिए वी पॉजिटिव हो रहा है। वी तो हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज के कारण होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है ना पॉजिटिव चार्ज से दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज से दी गई है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी आप पॉजिटिव चार्ज से डिफाइन करिए। चलिए हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल अच्छा कंडक्टर का लिया है पहले, चलिए कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, फुल वाले का ले लो पहले, फिर बाद में ले लेंगे कंडक्टर का, है ना, पहले अपन फुल वाले का ले लेते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, या इसको ये कहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड, ड्यू टू सॉलिड सॉलिड इंसुलेटर चार्ज स्फीयर, ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या है इसमें कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ये आपके बोर्ड में आएगा, ये चीज आपके बोर्ड में और स्कूल वाले पूछेंगे, ये आर्टिकल है आपके एनसीईआरटी में। तो ध्यान दीजिए ये आपका सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर को हमने कोई चार्ज दिया है, इंसुलेटर है इसका मतलब कंप्लीट चार्ज फैल जाएगा अंदर, और ये आपका सेंटर है और ये आपकी रेडियस आर है, करेक्ट। अब देखिए रो आपका कितना हो गया, रो आपका आ गया है क्यू अपॉन फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यू, ये आपका रो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना, टोटल चार्ज क्यू है। अब हम यहां पर तीन पॉइंट्स पर बात करेंगे, एक पॉइंट आउटसाइड, एक पॉइंट सरफेस पर और एक इनसाइड पॉइंट। तो मैं तीन पॉइंट्स पर बात कर रहा हूं, सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, दूसरा मैं बात करूंगा सरफेस पर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तीसरा पॉइंट पे मैं बात करूंगा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ये तीनों पॉइंट्स पर मैं अलग अलग बात करूंगा, पोटेंशियल निकालूंगा मैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले नंबर वन फॉर आउटर पॉइंट, फॉर आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट, तो जो आउटसाइड पॉइंट है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, हमारा है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, राइट। देखो बेटे हमने कहा ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है, ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर फंडामेंटल फॉर्मूला है, तो इसलिए हम कह देंगे डी वी बराबर हम कह देंगे माइनस ई डी आर, डीवी बराबर माइनस ई डी आर, और इसलिए फिर हम कह देंगे वी इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन डी वी, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से, लाना इन्फिनिटी से है ना, और स्मॉल आर डिस्टेंस तक लाना है, राइट। अब देखो आप इसको हम लिखेंगे माइनस ई डी आर इन्फिनिटी से स्मॉल आर डिस्टेंस तक, E की वैल्यू बताइए, E की वैल्यू होगी कैपिटल V इक्वल टू माइनस
माइनस। देखिए e के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इंफिनिटी से लेकर के r तक है माइनस। e dr, e कितना है, e है k q अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमने बताया था। आप इसको एक बार दोबारा से चेक करिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा है मैंने, के क्यू को मैं बाहर निकाल रहा हूँ और अंदर इंटीग्रेशन में माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर है, डी आर है और लिमिट है इन्फिनिटी से लेके आर तक। एक बार चेक करेंगे आप पूरा, तो देखिए के क्यू तो के क्यू आ गया आपका माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल कम वन अपॉन आर, ये वन अपॉन आर आएगा, आपकी लिमिट है इन्फिनिटी से लेके आर तक। जब आप ये लिमिट लगाएंगे तो के क्यू सबसे पहले वन अपॉन आर अपर लिमिट माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी लिखेंगे, कुल मिलाकर के आपका वी आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, ये आपके आउटसाइड पॉइंट के लिए आया है, यानी हमारा एक आंसर आ गया, हमारा एक आंसर आ गया। मैं यहां पर बोल दूंगा कि वी आउट, वी आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, बस स्मॉल आर, वी आउट बराबर के क्यू अपॉन आर, है ना। कैपिटल ई आउट आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था, वी आउट के क्यू अपॉन आर है। अब देखो यहां पर आकर के फिर हमारी एक चीज है ना, वो वापस से प्रूव हो रही है। क्या प्रूव हो रहा है, हमने आपको बता रखा था ई आउट, ई आउट बराबर क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बेटे v आउट अभी अभी हमने प्रूव किया के क्यू अपॉन आर। अब आप इस कंसेप्ट को पकड़िए, तो मैं कहूंगा e अपॉन v बराबर नेचुरल है वन अपॉन आर आ गया, वन अपॉन आर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि e बराबर आप लिख सकते हैं v अपॉन आर। ये बिल्कुल वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करी थी, ये आपका आउटसाइड पॉइंट के लिए आया। अब हम बात करेंगे सरफेस वाले पॉइंट के लिए, सरफेस वाला पॉइंट यहां है, फिर हम इनसाइड पॉइंट के लिए बात करेंगे। देखिए सरफेस वाले पॉइंट के लिए एक मिनट रहा, एट सरफेस, तो देखिए सरफेस के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, और जब सरफेस के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है तो सीधा आप लिख सकते हैं v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसके बारे में कुछ ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में हम तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, दैट इज फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट, ध्यान दो बेटा, फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए आप स्मॉल r लेस देन कैपिटल r की बात करेंगे, इनसाइड पॉइंट के लिए आप स्मॉल r लेस देन कैपिटल r की बात करेंगे। जब आप स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर की बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाली है, हम वही बात करेंगे e इक्वल टू क्या माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो डीवी के लिए मैं बिल्कुल वही लिखूंगा क्या माइनस ई डी आर, फिर मैं v को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन डीवी और कहां से कहां तक इंफिनिटी से लेके आर तक आऊंगा मैं। अब यहां पर आकर मैं थोड़ा सा केयरफुल होऊंगा, मैं वी को लिखूंगा फिर से, कहानी तो सारी वही है, बस अब थोड़ा सा कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये आपको समझना है कि अब क्या करेंगे हम। देखो सबसे पहले मैं आपको वो डायग्राम वापस दिखा रहा हूं पुराना वाला, ये देखिए, देखो हम किसी चीज को इन्फिनिटी से लाना चाह रहे हैं, कहां से लाना चाह रहे हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी यहां है, कहां है इन्फिनिटी, वहां, वहां इन्फिनिटी वहां है दूर दूर, हम किसी चीज को इन्फिनिटी से लाना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी से जब आप लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से जब आप लेकर आएंगे ना तो हम आगे बढ़ते हैं, इन्फिनिटी से जब हम लेकर के आएंगे तो देखो क्या घटना घटती होगी, कि जब लेकर के बाहर से आएंगे तो सबसे पहले सरफेस पर आएंगे उसके बाद अंदर घुसेंगे। देखो जब आप अपने घर पर आते हो कहीं से बाहर से, तो बताओ बाहर से जब आप घर पर आते हो तो सबसे पहले कहां आते हो, दरवाजे पर आते हो ना,
फिर बाद में घर में एंटर होते हो। मुझे नहीं लगता शायद इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा होगा जो पहले घर के अंदर घुसे बाद में दरवाजे पर आए, ऐसा तो नहीं होता। हाँ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, सोच भी नहीं सकते साहब, होना तो बहुत दूर की बात है। तो आप ध्यान दीजिए, हम यहां ये कह रहे हैं कि जो है पॉइंट पहले सरफेस तक आएगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा। आज हम इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए, मैं यहां क्या खेल खेलने जा रहा हूं, मैं वी इन की बात कर रहा हूं, इनसाइट। वी इनसाइट, वी इनसाइट का मतलब है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा माइनस। देखना जरा, इंटीग्रेशन ई डी आर प्लस इंटीग्रेशन ई डी आर, यहां पर मैं लिमिट लगा रहा हूं इंफिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, और फिर लिमिट लगा रहा हूं कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। यानी मैंने एंटायर जर्नी जो की, जर्नी कहां से कहां तक हो रही है, जर्नी हो रही है इनफाइनाइट से स्टार्ट करके अंदर आ रही है। देखो मैं आपको डिफरेंट कलर से बताता हूं, यहां पर था पॉइंट और यहां से ये अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, सरफेस पर आया, सरफेस पर आया। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ द जर्नी हुआ इंफिनिटी से लेकर सरफेस तक, सरफेस के बाद में अंदर एक पार्ट जर्नी हुआ अंदर के लिए, वही हम पूरा यहां पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली जर्नी हुई है इंफिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, आप सरफेस तक आ गए, फिर सरफेस के बाद अंदर एंट्री मार रहे हैं। तो देखिए, मैं पहला वाला कार्यक्रम कर रहा हूं कि जो है इंटीग्रेशन बाहर वाले पॉइंट के लिए, आप जानते हैं कि क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है और डी आर होता है, और आपका लिमिट है इंफिनिटी से कैपिटल आर तक। फिर अंदर वाले पॉइंट के लिए आपको पता है ई इन, ई इन का फॉर्मूला, इन साइड का फॉर्मूला, ई इन का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू डी आर, स्मॉल सॉरी कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ये हमने आपको पढ़ाया था। हाँ जी, ई इन सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर की तरफ, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये पढ़ाया था, रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तब पकड़ में आएगा, ऐसे नहीं पकड़ में आएगा। के क्यू, के क्यू, अब आप यहां पर जो है इंटीग्रेशन करिए वन अपॉन आर स्क्वायर का, तो वन अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन आर होता है, और लिमिट आप रखिए इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक। फिर आप यहां पर वन अपॉन आर क्यूब को चुपचाप रहने दें, क्योंकि आर क्यूब कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, उसका कोई इंटीग्रेशन का मतलब नहीं है। वन ये स्मॉल आर का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये होगा आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू, और लिमिट है कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। आप इसके बाद में ये पूरी वैल्यू जो है ना रखें बाकायदा नियम से, तो आपके पास में कुछ इस तरह का सीन बनने वाला है, एक बार चेक करिएगा आप लोग। माइनस आपका माइनस है ही, वन अपॉन कैपिटल आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, ये आपका एक काम हो गया, राइट। चलिए फिर यहां पर प्लस वन अपॉन आर क्यूब, हाँ जी टू को भी आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, ये टू यहां पे आएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरह से ये आपका बनेगा। अब आप इसको जो है हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके चल रहे हैं, इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा, दिस माइनस साइन, ठीक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं के क्यू माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा, तो देखिए एक बार जरा आप ध्यान से देखना क्या है, वन अपॉन कैपिटल आर है, क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी से जीरो हो जाएगा, तो आप वन अपॉन कैपिटल आर लिखिए चुपचाप, और उसके बाद ये वाली चीज भी लिखनी पड़ेगी। तो देखो मैं लिख रहा हूँ वन अपॉन कैपिटल आर, फिर आगे लिख रहा हूँ माइनस वन अपॉन टू आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, आप चेक करेंगे इस तरह से। चलो जरा आप इसको लिखो वापस से, ये वी इन है बेटा के क्यूब, ट्वाइस आर क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए ट्वाइस आर क्यूब, जब आप यहां से ट्वाइस आर क्यूब लेंगे इसको जब आप करेंगे तो यहां आएगा टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपका वी इन बराबर ये आएगा फॉर्मूला,
वीन बराबर ये आएगा। तो देखो क्या आ रहा है, के क्यू थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू, ये आपका वी इन आएगा। कुल मिलाकर के सॉलिड स्फीयर के लिए आपके पास वी के तीन रिजल्ट आ गए। देखो मैं वी और ई दोनों रिजल्ट्स को बराबर बराबर रख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बड़े काम के हैं, है ना, फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड चार्ज स्फीयर, है ना, सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो वी आउट बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ई आउट क्या था, ई आउट था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई आउट था। वी एट सरफेस, सरफेस पर आपका था के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ई एट द सरफेस था आपका के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। वी इन, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वी इन। देखो वी इन के लिए मैं लिखूंगा के क्यू थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू। आप चेक करें ये वी इन है, लेकिन ई इन जो था हमारा वो अलग तरह का था। ई इन ये है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये ई इन था बेटा, ये ई इन है आपका, ध्यान दीजिए आप। जब ये चीज आपके पास में है तो आगे देखिए क्या होने वाला है। आगे आपके पास में ये आ रहा है कि अगर मैं सेंटर की बात करूं, एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पर स्मॉल आर जीरो होता है, सेंटर पर स्मॉल आर जीरो होता है, आप स्मॉल आर को जीरो पुट करिए, है ना, यहां भी आप स्मॉल आर को जीरो पुट करिए जरा, और देखो क्या आता है रिजल्ट। जब आप सेंटर पर स्मॉल आर को जीरो पुट करेंगे तो आपका ई एट द सेंटर, ई एट द सेंटर जीरो आएगा, और वी एट द सेंटर क्या आएगा बताओ, वी एट द सेंटर स्मॉल आर को जीरो पुट करिए तो यू विल गेट थ्री बाई टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, दैट इज थ्री बाई टू वी एस, ये आपके पास आने वाला है वी नॉट, थ्री बाई टू वी एस आपके पास आने वाला है। ओके तो ये चीज आपके पास में आ गई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका जो रिजल्ट है इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं मैं। देखिए अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ में आपको वी वर्सेस आर बनाऊंगा, है ना, वी वर्सेस आर, और ई वर्सेस आर ग्राफ को याद दिलाऊंगा, रिकॉल। तो सबसे पहले मैं V वर्सेस R का ग्राफ बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर पोटेंशियल रखूँगा, यहाँ पर R रखूँगा, यहाँ पर कैपिटल R रखूँगा, यहाँ पर सेंटर रखूँगा, ये R है, दिस स्मॉल R ग्रेटर देन कैपिटल R है, दिस स्मॉल R लेस देन कैपिटल R है, ये इनसाइड की कहानी है, ये आउटसाइड की कहानी है, है ना, हाँ जी, ये यहाँ पर V है, ये यहाँ पर V है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो रिजल्ट है वो हम एक बार लिख दें, वी आउट, वी आउट है आपका प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, राइट, वी इन जो है ये आपका के क्यू थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू, ये आपका वी इन है। वी एट सरफेस आपका है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो मैं देखूं सबसे पहले सरफेस वाला एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, सरफेस वाला पॉइंट है, मान लीजिए ये एक सरफेस पॉइंट है और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है वी एट सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये आपका वी एट सरफेस है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, करेक्ट, ओके। बाहर की बात करेंगे तो इट विल गो लाइक दिस, वी आउट प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर आएगा। अच्छा अब जरा हम सेंटर की बात करें, सेंटर अभी मैंने आपको बताया कि एट सेंटर स्मॉल आर जीरो है, तो वी एट द सेंटर जो आने वाला है, वी एट द सेंटर जो आने वाला है वो आने वाला है थ्री बाई टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, थ्री बाई टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, वी एट द सेंटर थ्री बाई टू वी एस,
by 2 Vs KQ upon capital R। ये आपके पास में 3 by 2 Vs आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप यहां आ गए तो ये यहां पर 3 by 2 Vs आ गया। वन पॉइंट फाइव टाइम्स होगा तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3 by 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। तो ये सेंटर पर इस तरह से ये ग्राफ आएगा आपका। ये ग्राफ जो है पैराबोला आएगा क्योंकि यहां पर ये पैराबोला की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ग्राफ पैराबोला आएगा राइट। और सेंटर पर जो है 3 by 2 Vs होगा, सरफेस का 3 by 2 टाइम्स करेक्ट। ये आपका आ गया। अगर हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ याद दिलाऊं, मैं अगर केवल याद दिला रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ ऐसा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन साइड में था वो आपका स्ट्रेट लाइन था और ये आपका बाहर था। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन बराबर था के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ऐसा था। फिर हमने ई इन को प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर लिखा था। आप रिकॉल करिए, वापस से रिवाइज करिए चीजों को, तो आपको समझ में आएगा ई आउट ऐसा था, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टर, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, इसका मतलब होलो स्फीयर की बात करेंगे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ये जो है ना, इसके ऊपर सैकड़ों क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, और बहुत ज्यादा मतलब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। सबसे पहली बात, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका मतलब एंटायर चार्ज विल बी ऑन द आउटर सरफेस ओनली, नो पीस ऑफ द चार्ज विल बी इन साइड द सरफेस, है ना। तो देखिए आप, ये आपके यहां पर कैपिटल आर इसकी रेडियस है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है इसके ऊपर, तो मैं कह दूंगा सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, करेक्ट ओके। यहां भी मैं तीन पॉइंट लूंगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा आउटसाइड पॉइंट, दूसरा पॉइंट आएगा सरफेस पॉइंट, और तीसरा पॉइंट आएगा इनसाइड। ठीक है, तो आई एम टेकिंग वन बाय वन। सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट नंबर वन, वी आउट फॉर आउटसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट। बेटे आउटसाइड पॉइंट की सारी कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैसे की वैसे आएंगी, नोट अ सिंगल स्टेप इज मिसिंग, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आपका वो आएगा। तो देखिए वी आउट आपका एग्जैक्टली सेम आएगा सारा का सारा, क्या इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर होता था ना, माइनस ई डी आर इन्फिनिटी से लेके आर तक, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए माइनस ई क्या होता था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन आएगी। तो वी आउट को आपका ये आ ही गया, आप सारा का सारा चेक कर लीजिए, एग्जैक्टली सेम आएगा ये पूरा का पूरा, नो डिफरेंस विल बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला हम सरफेस की बात करेंगे, तो उसमें भी कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है, V एट सरफेस वो भी के क्यू अपॉन कैपिटल आ रहा है। अब बात करेंगे हम इनसाइड वाले की, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखिए इनसाइड पॉइंट बात करूंगा मैं, तो अगले पेज पर करेंगे हम फॉर इनसाइड पॉइंट। आप ध्यान दीजिए, मैं इनसाइड पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा हूं और वही करूंगा मैं वापस से। कौन सी वाली बात, देखो पुरानी बात बता देता हूं,
आपको मैं अंदर वाले पॉइंट की बात करूंगा ना, सबसे पहले मैं एक चार्ज को कहाँ से लेके आऊंगा, इन्फिनिटी से लेके आऊंगा, अलग कलर से लेके आता हूँ, बहुत दूर था, बहुत दूर था, यहाँ से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ, लेकर के आ रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आ रहा हूँ, यह है ना। अच्छा, अब एक चीज ये है कि आप जब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेकर के आएंगे और इसके अंदर एंट्री मारेंगे, तो यहाँ पे आपकी एंटायर जर्नी के दो पार्ट होंगे, एक बाहर तक लेके आइए, फिर आप अंदर लेकर के आइए। तो हम पूरी जर्नी के दो हिस्से करेंगे, एक इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे, देन वी विल एंटर इन टू द सरफेस, राइट। तो देखिए जी, हम बात करेंगे वी इन, वी इन इक्वल टू मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन माइनस ई डी आर, और नेचुरल है इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक बात करेंगे, लेकिन इसके बाद मैं इसको यहां पर आकर के दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, फिर प्लस ई डी आर कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक, राइट। फिर मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, आप देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, आई विल डू वन मिस्टेक, है ना, एक गड़बड़ करूंगा मैं, व्हाट काइंड ऑफ घोटाला आई एम गोइंग टू डू, ई डी आर, ई आउटसाइड है तो मैं लिखूंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, प्लस फिर यहां पे मैं लिख दूंगा जीरो। ये क्या किया भैया, ई इन जीरो है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, इसलिए ऐसा कर दिया है, ई इन जीरो है, कोई गड़बड़ नहीं करी है मैंने, कोई घोटाला नहीं किया है, एकदम सही से लिखा है, ठीक है। अब देखो आप वी इन क्या आएगा, वी इन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस के क्यू आप बाहर निकाल दीजिए, वन अपॉन आर स्क्वायर जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस वन अपॉन आर आता है, लिमिट आपकी वही है इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक, यू विल फाइनली गेट के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये आपका वी इन आया है साहब, वी इन, और ये वी इन आपके वी सरफेस के बराबर है, वी सरफेस के बराबर है, यानी कि अगर मैं इसके रिजल्ट बनाऊं तो रिजल्ट बड़ा क्लियर है कि तीनों चीजें आपके पास में आ गई हैं, रिजल्ट में मैं यहां लिख रहा हूं रिजल्ट फॉर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, फॉर चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान दीजिए आप, सबसे पहला वी आउट में के क्यू अपॉन स्मॉल आर, नंबर टू वी सरफेस, सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तीसरा वाला है वी इन इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये सरफेस के बराबर है, ये सरफेस के बराबर है, चौथा सेंटर पर, सेंटर पर जो है वो आपका होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जो कि सरफेस के बराबर है, सरफेस के बराबर है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वी इन इक्वल टू वी एस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल बदलेगा ही नहीं, फॉर इनसाइड वॉल्यूम पोटेंशियल विल रिमेन सेम, है ना। तो मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, फॉर इन साइड वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, फॉर इन साइड वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, हाँ इसे नोट कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, हाँ एक एक चीज नोट करनी चाहिए टीचर की, फॉर इन साइड वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, इन साइड वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इन साइड वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स रिमेन्स सेम एंड इक्वल टू द
दैट ऑन सरफेस, ऑन द सरफेस। हाँ जी, सच अ वॉल्यूम, सच अ वॉल्यूम, सच अ वॉल्यूम हैविंग हैविंग इक्वल पोटेंशियल, सच अ वॉल्यूम हैविंग इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। हाँ जी, तो इसे हम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कहते हैं। सच अ पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। इस पोटेंशियल, इस वॉल्यूम का नाम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। वॉल्यूम का नाम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम क्या है कि v कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो आप देखिए, इन एनी इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, इन एनी इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, कोई भी ऐसा वॉल्यूम जो कि इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम हो, इन एनी इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, ध्यान दीजिए, v कांस्टेंट होगा, e जीरो होगा, फोर्स चार्ज के ऊपर जीरो आएगा, वर्क डन जीरो आएगा, कोई तरह का वर्क डन नहीं होगा, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर लेके जा रहे हैं तो। इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम का मतलब यही है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, फोर्स इक्वल टू क्यू ई जीरो होगा। जब फोर्स जीरो है तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, आप अगर अंदर चार्ज को इधर उधर घुमा रहे हैं तो नो वर्क विल बी डन, आप आराम से इसको घुमाइए, मस्ती मारिए, नो इश्यू, कोई वर्क वगैरह नहीं होने वाला है, राइट। ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद में हम आगे जो टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट हमारा, उस पर मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, और इसके बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। एंड इसमें एक बात है, इसके अंदर क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वहाँ जब डायरेक्शन आ जाती है और 3D आ जाता है, तो 3D में आपको पूरा व्यू जो है ना अपना मेंटेन करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, किस तरह से चेंज आ रहे हैं, किस तरह की डिस्टेंसेज हैं, थोड़ा सा जो है ना 3D वाले में आपको जो है अच्छी तरह से करना पड़ेगा। बस वही क्वेश्चन है 2-4-10 जिनमें 3D आ रहा है, बाकी तो जिनमें 3D नहीं है वो आप वहां मस्ती मारिए। 11th क्लास से तो बहुत ईजी है ये चीजें, 11th क्लास में हमने बहुत कुछ किया था, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है 11th जितना तो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका डायपोल पर आएगा, जिसमें हम डायपोल के पोटेंशियल निकालेंगे।